नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष खत्री आप सभी का तहे दिल स्वागत करता हूं। और आज हम बाइक सिखाने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि बाइक तो पहले ही हमने सिखा दिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं और आप लोगों ने बाइक सिखाने वाला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें मिलियंस में व्यू आ चुके हैं। ये सिर्फ आपका प्यार ही है और सपोर्ट ही है, इसी वजह से हम फिर से ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने वाला हूं जिसको बिल्कुल भी बाइक चलानी नहीं आती है। उनको इसलिए बुलाया है ताकि प्रैक्टिकल जब भी करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो जब तक वो समस्याएं सामने नहीं आएंगी तब तक उस छोटी छोटी चीज़ का पता नहीं चल पाएगा। ये सारी चीज़ें जब भी आप देखेंगे, जो भी छोटी बहुत समस्याएं हैं वो सारी इसमें आने वाली हैं। ये वीडियो आप कम्प्लीटली देखिए, आपको कोई भी इशू यहाँ पर आने वाला नहीं है। तो मैं अब आपको उस व्यक्ति को बुलाना चाहूँगा जिन्हें फ़िलहाल गाड़ी हम सिखाने वाले हैं। तो आइए, आप आपका क्या नाम है? दिव्या खत्री। दिव्या नाम है, छोटी बहन है मेरी। इन्हें बाइक चलानी आती है आपको? नहीं आती। बाइक चलानी इन्हें नहीं आती है। एक्टिवा चलानी आती है? हाँ। एक्टिवा चलानी आती है। साइकिल चलानी आती है? हाँ, साइकिल चलानी आती है। कार चला लेते हो? नहीं, कार चलानी नहीं आती। फिलहाल हम बाइक के बारे में बात कर रहे हैं। बाइक इन्हें चलानी नहीं आती है तो हम बाइक सिखाएंगे। बाइक सिखाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं प्रैक्टिकल में सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो आएंगी तो वो सारी समस्याएं हमारे सामने आएंगी, तो इसका मतलब आपके सामने भी आएंगी। उन्हीं सारी बातों का निवारण करने के लिए हम इन्हें लेके आए हैं ताकि ये भी बाइक सीख पाएँ और आप भी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सीख पाएँ। तो इसीलिए हम ये सारी डिटेल और इनको भी सिखाने वाले और आपको भी सिखाने वाले। तो कम्प्लीटली बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए ताकि सारा नॉलेज आपको हो पाए, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हमें इस गाड़ी की ज़रूरत है, तो वो की हमारे पास है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हैंडल लॉक लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये खुल नहीं पा रहा है। इसके लिए हमें लगानी पड़ेगी इसके अंदर चाबी, यहाँ पर इंसर्ट होगी चाबी। एक बार इसे घुमाएंगे तो ये हैंडल रिलीज हो जाएगा। देखिए हैंडल इस तरफ उस तरफ हो रहा है, यानी कि हैंडल रिलीज हो चुका है। एक बार और घुमाएंगे तो बैटरी का पावर, यानी बैटरी के जो पावर है वो आ जाएगा। इसका मतलब गाड़ी स्टार्ट करने के लायक हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए लाइट्स जल चुकी हैं। ये है एन यानी न्यूट्रल की लाइट। फिलहाल गाड़ी गियर में नहीं है तभी ये ग्रीन वाली लाइट ऑन होगी। अगर गाड़ी गियर में होगी तो ये ग्रीन वाली लाइट कभी भी ऑन नहीं होगी। मैं आपको गियर में डाल देता हूँ, देखिए लाइट ऑन है। फिलहाल ये गियर में डालता हूँ, ये गाड़ी न्यूट्रल वाली जो लाइट है वो बंद हो चुकी है। जैसे ही गाड़ी को गियर से निकाल देंगे ये न्यूट्रल वाली लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए i3s का एक निशान देके रखा है, जो कि नए वाली गाड़ी आती है स्प्लेंडर, जिसमें यहाँ पर एक ऑप्शन देके रखा है i3s का। इसे ऑन या ऑफ करने पर, यानी कि जब भी गाड़ी हम स्टार्ट हो और ट्रैफिक में हो, इसे ऑन करके रखा है तो गाड़ी ऑटोमेटिक थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। थोड़ी देर यानी बंद हो जाती है एक बार के लिए, हमें चाबी से ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे ही वापस क्लच को पकड़ेंगे गाड़ी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। पर फिलहाल जो सीखने वाले हैं उन्हें इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नए सीखने वाले हो, इसलिए इस चीज़ को फिलहाल साइड में कर दीजिए। i3s का वीडियो मैंने अलग से बना के रखा है, मेरे वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। और आगे बात करेंगे, यहाँ पर एक निशान दे के रखा है, ये हेडलाइट का निशान है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जब भी गाड़ी की हेडलाइट ऑन होगी और स्ट्रेट होगी, सामने होगी, तभी ये लाइट यहाँ पर ऑन होगी। और यहाँ पर देखिए ऊपर है फ्यूल का निशान, यानी कि जब भी गाड़ी में पेट्रोल हम भरवाते हैं, फुल करवाते हैं, तो फुल की तरफ जाएगा। जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे MTE का मतलब होता है MT यानी खाली हो रहा है, उस तरफ ये बीच वाला तीर आता रहेगा। तो और यहाँ अगर बात करें तो ये है स्पीडोमीटर, यहाँ से 0, 10, 20, 40, 50, 140 तक लिख के रखा है, वो है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में क्या होता है कि जब भी गाड़ी हम चलाते हैं तब ये हमें बताता है कि कितने किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है। तो ये जब भी गाड़ी चलती है तब ये ऑन होता है। जितनी स्पीड से चलेगी वैसे वैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा, और जैसे स्पीड स्लो करेंगे वैसे वैसे नीचे ये आता रहेगा। और बीच में अगर ये जो देख रहे हैं वो निशान, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं 12,735, अर्थात ये 12,735 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। फिलहाल तक इसने इतने सफ़र तय कर लिया है, और जैसे जैसे चलाएंगे वैसे वैसे ये किलोमीटर बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो यहाँ पर टर्न वाले दो साइन देख रहे हैं, ये है अगर आप राइट की तरफ आपको जाना हो तो ये टर्न इंडिकेटर होता है राइट की तरफ ऑन करने के लिए। और यहाँ पर है लेफ़्ट वाला, अगर आपको लेफ़्ट की तरफ टर्न लेना हो
तो आप लेफ्ट की वाला इंडिकेटर ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन होगी, जैसे कि मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ इसका स्विच देखे रखा है, ये लेफ्ट इंडिकेटर के लिए लेफ्ट इस तरफ करेंगे तो ये लेफ्ट वाला इंडिकेटर आगे वाला स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमें सिग्नल देगा। ये देखिए जिस तरह ये लाइट ऑन या ऑफ हो रही है। और इसे अगर हमें बंद करना होगा, इसे अगर बंद करना है तो हमें इस तरह से मात्र इसे दबाना ही है, और राइट की तरफ अगर हमें जाना है तो इसे राइट की तरफ करेंगे तो ये राइट वाला इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये देखिए राइट वाला सिग्नल हमें ऑन करेगा कि आपके बाइक का राइट वाला इंडिकेटर ऑन है। तो इसे बंद करना हो तो यही ऑप्शन है, इसे सिर्फ मात्र दबाना है, दबाने से ये बंद हो जाएगा। यहाँ देखिए सारे सिग्नल्स ऑफ हो चुके हैं। ये तो मैंने सारे मीटर्स की सारी बात आपको बता दी है। उसके बाद हम आएंगे राइट की तरफ। राइट की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे ये रेड कलर का जो स्विच देखे रखा है वो है पावर स्टार्ट। इस स्विच से गाड़ी डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है। पुरानी वाली जो बाइक आती थी जिसमें पावर स्टार्ट का स्विच नहीं था, उसे किक से स्टार्ट करना पड़ता था, जो कि हमारे यहाँ पाँव में राइट की तरफ ये किक देखे रखा है। तो नई वाली में ये किक भी आता है, इससे पाँव से किक लगाकर गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये है ब्रेक, ये पीछे वाला ब्रेक है, इसे पाँव से दबाया जाता है। ये पीछे वाला जो व्हील है उसे रोकने के काम आता है। और ये जो है ये है हमारा स्टार्ट करने के लिए किक। आते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर पावर स्टार्ट है, इसे जैसे ही दबाएंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको दबा के दिखाता हूँ। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आपको साउंड आ रही होगी। बंद करने के लिए यहाँ पर ये चाबी दी गई है, चाबी को हम घुमा देंगे तो ये गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर जो देख रहे हैं वो यहाँ पर है गाड़ी की रेस। गाड़ी की रेस कब काम आती है, अगर हमें आगे बढ़ना होता है तो इस रेस को ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से घुमाने पर गाड़ी आगे बढ़ने के लायक हो जाएगी, और ऐसे करेंगे तो ये गाड़ी धीमे हो जाएगी। वैसे तो ये छोड़ते ही ऑटोमेटिक वापस जगह पर आ जाती है, जैसे ही हमें आगे बढ़ना होता है तो हम इसे थोड़ा थोड़ा आगे ऐसे घुमाएंगे। जैसे हम एक्टिवा में आपको बता चुके हैं ऐसे घुमाने पर गाड़ी एक्सीलरेट होती है, आगे की तरफ जाती है। और ये जो आगे देख के रखा है ये है आगे वाला ब्रेक, यानी कि आगे वाला व्हील को रोकना हो तो ये आगे वाला ब्रेक काम आता है। इस तरह से इसे लगाएंगे तो फिर ये आगे वाला जो व्हील है वो रुक जाएगा और हमारी स्पीड कम हो जाएगी, और हमें अचानक रोकना हो तो भी इसे हम यूज करके गाड़ी को रोक सकते हैं। आते हैं अब लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट हैंड के ऊपर यहाँ पर देखे रखा है ये जो लाइट के हेडलाइट हैं उसके स्विच हैं। हेडलाइट को डिम या अप करने के लिए काम आता है, स्ट्रेट करना हो या फिर नीचे करना हो तो ये काम आता है। अगर आप हाईवे पर जा रहे हो तो गाड़ी की लाइट को हमेशा स्ट्रेट रखिए, और अगर आप सिटी में चला रहे हो तो गाड़ी की लाइट को हमेशा नीचे रखिए, ताकि लोगों के आँखों पर रोशनी इतनी ना पड़े कि वो उन्हें गाड़ी चलाने में असुविधा हो। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है टर्न इंडिकेटर के लिए काम आता है। नीचे वाला जो ये है हॉर्न। हॉर्न का तो आपको पता ही है, जैसे ही दबाएंगे पौं पौं की आवाज़ आएगी। तो मैं आपको चाबी ऑन करके साउंड सुना देता हूँ, तो आपको समझ आ चुका है ये हॉर्न है। तो ये सारे मैंने बता दिए हैं। आगे की तरफ मैं आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए इस साइड में है क्लच, ये है क्लच। ये क्लच किस काम आता है, ये क्लच जब भी हम गाड़ी को आगे बढ़ा रहे होते हैं और गियर में हमको डालना होता है या गियर से निकालना होता है, तब ये क्लच हमारे काम आता है। तो इसे क्या करना होता है कि जब भी गियर में डालते हैं तो इसे दबाते हैं, धीरे धीरे फर्स्ट गियर में डालने के बाद धीरे धीरे इसे रिलीज़ करते हैं, और साथ ही साथ धीरे धीरे रेस को देते हैं। ये कॉम्बिनेशन रेस का और क्लच का बैठना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया तो गाड़ी अचानक से हो जाएगी बंद या फिर अचानक से उछल जाएगी गाड़ी। तो ये कॉम्बिनेशन क्लच और रेस का कॉम्बिनेशन बैठना अति आवश्यक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ पूरी ध्यान में रखनी होगी। इस क्लच को हम दबाएंगे और गियर कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। गियर है हमारे लेफ्ट पाँव में, लेफ्ट पाँव में आपको गियर दिए गए हैं। ये देखिए ये गियर्स हैं, ये एडी में लगते हैं, ये फर्स्ट गियर में है फिलहाल गाड़ी। एडी में दबाएंगे तो गियर में चली जाएगी गाड़ी, और न्यूट्रल करना होगा तो पंजे से दबाएंगे तो ये गाड़ी न्यूट्रल में हो जाएगी। इसका मैं हर गाड़ी के टंकी के ऊपर यहाँ पर निशान दिया हुआ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न्यूट्रल में करने के लिए पंजे को दबाएंगे,
और गाड़ी को गियर में शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए न्यूट्रल फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ एडी में दबाने पर गाड़ी गियर में शिफ्ट होती चली जाएगी, और गियर से न्यूट्रल की तरफ करना है तो आपको पंजे में दबाकर दबाने होंगे ताकि ये न्यूट्रल में होती चली जाएगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन दी रखी होती है हर गाड़ी बाइक के अंदर, नई हो तब, पुरानी हो तब, तो क्या है कि ये सारे स्टिकर वगैरह निकल जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। यहाँ पर ये देखिए पेट्रोल की टंकी, यहाँ पर पेट्रोल भरवाया जाता है, यहाँ पर चाबी लगा कर इसे खोल दिया जाता है, इसमें पेट्रोल भरवाने की ये जगह है। तो दिव्या मैंने सारी चीज़ यहाँ तक बता दी है, यहाँ तक बताने में आपको कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, यहाँ तक ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया हो? सारा चीज़ समझ में आ चुकी है? हाँ। आपको कुछ यहाँ तक में समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको पूरा प्रयास करूँगा जवाब देने के लिए। अब जो मैंने बताया है वो प्रैक्टिकली दिव्या करके बताएगी कि इससे क्या क्या समस्याएं फेस हो रही है। ये तो मैंने थ्योरी सारी बता दी आपको, अब ये प्रैक्टिकल होने वाला है। ये लीजिए चाबी, आप हमें जो मैंने यहाँ बता दिया है गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है वो आप यहाँ इसके ऊपर बैठ के एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके मुझे बता दीजिए। तो आप बैठिए और इसे स्टार्ट करके बताइए, और जो जो समस्याएं आप फेस कर रहे हैं या जो मुझे उचित लगा कि मैं आपको सारा गाइडेंस करूँगा, आप एक बार बैठ के मुझे स्टार्ट करके बताइए। तो यहाँ पर इन्होंने चाबी लगाई है फिलहाल के लिए, अब बताइए गाड़ी का हैंडल लॉक खुल रहा है आपसे? नहीं नहीं खुल रहा है। देखिए सबसे पहली समस्या आ रही है कि ये गाड़ी का हैंडल लॉक नहीं खुल पा रहा है। तो गाड़ी का हैंडल लॉक किस लिए नहीं खुल पा रहा है वो मैं बता देता हूँ। गाड़ी जब भी ऐसे खड़ी हो ना तो उसे ऐसे ही घुमाएंगे तो नहीं खुल पाएगा, थोड़ा सा ऐसे शेकिंग करनी पड़ेगी तब ये जाके चाबी घूमेगी। सबसे पहली समस्या आपने ये प्रैक्टिकल में फेस की, ठीक है ये तो हो चुका, अब आगे की कार्रवाई कीजिए। आप यहाँ पर देखिए पावर को दबा रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दबा रही हैं पावर वाले स्विच को, और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने चाबी को तो ऑन ही नहीं किया, फिर ये गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी? ये दूसरी समस्या हमें फेस हुई है प्रैक्टिकल में। तो पहले तो हमने ये जो यहाँ पर जो हैंडल लॉक लगा हुआ था उसको रिलीज़ करने के लिए एक बार घुमाया, अगर बैटरी की सप्लाई ऑन करनी है तो उसे एक बार और घुमाना पड़ेगा, तब ये बैटरी की सप्लाई ऑन होगी और इसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट करने के लायक होगी। ये दूसरी बार मैंने घुमा दिया है, ये दूसरी बार समस्या फेस हो चुकी है। अब आप आगे कार्रवाई कीजिए दिव्या, क्या कर सकते हैं? ये देखिए इन्होंने गाड़ी को पावर स्टार्ट से ऑन कर लिया है, मैं एक बार इसे रोकना चाहूँगा। पावर स्टार्ट ऑन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर देखिए जैसे ही ऑन करते हैं यहाँ पर ग्रीन जो लाइट है वो ऑन है या नहीं, सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होता है। तो ये ग्रीन लाइट अगर ऑन है तो ही हमें पावर को स्टार्ट को दबाना होगा, ऑफ है तो दिव्या खुद इसे ऑन करेंगी और ये खुद बताएंगी कि आगे स्टार्ट कैसे करना। दिव्या आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे इसे स्टार्ट करने के लिए, आप खुद देखिए। ये इन्होंने गाड़ी क्या ऑन कर दी है चाबी, अब कैसे स्टार्ट करेंगे? ये देखिए इन्होंने एक और गलती कर दी है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जब भी गाड़ी की चाबी ऑन की यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि ग्रीन लाइट ऑन नहीं थी। ये ग्रीन लाइट ऑन अभी भी नहीं है, देख सकते हैं चाबी मैंने ऑन कर दी है फिर भी ये ग्रीन लाइट ऑन नहीं है। तो इन्होंने थर्ड गलती की है कि यहाँ पर देखिए न्यूट्रल की लाइट ऑन नहीं है फिर भी इन्होंने पावर की को दबा दिया। ये तो शुक्र मनाइए कि ये पावर स्टार्ट गाड़ी है, यदि किक से स्टार्ट होती तो आप उछल के गिर जाते इससे। तो ये गलती आपने प्रैक्टिकल में की है, तो हमने की, दिव्या ने की, कोई बात नहीं, आपको ध्यान में रखना ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिकल में। ये छोटी छोटी बातें ही आपको अच्छा ड्राइवर बनाने के लिए काम आएगी। तो फिलहाल देखिए ये गाड़ी न्यूट्रल में नहीं है, गाड़ी की चाबी ऑन है, आपको सबसे पहले इसको न्यूट्रल में लेना होगा। उसके लिए दिव्या क्या करेंगे बताइए आप? इन्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ गाड़ी को न्यूट्रल में नहीं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो टंकी पे सिग्नल दे के रखे हैं ये मैंने पहले भी आपको बताए थे। तो जो गियर वाला कहाँ है ऑप्शन, वहाँ पर पंजे से दबाकर आपको इसे करना होगा न्यूट्रल में। ये जैसे ही किया यहाँ पर न्यूट्रल में इन्होंने दिव्या ने, यहाँ पर आगे देखिए कि यहाँ पर ये ग्रीन वाली लाइट ऑन हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन वाली लाइट ऑन हो चुकी है, अब ये गाड़ी स्टार्ट करने के लायक हो चुकी है। इसमें भी मैं आपको दो ऑप्शन बताना चाहूँगा, ये तो सपोज आप देख सकते हैं कि बैटरी वाली गाड़ी है जिसमें ये न्यूट्रल वाली लाइट ऑन हो रही है, सपोज कीजिए कि इस गाड़ी में अगर बैटरी खराब हो गई हो या बैटरी वर्क नहीं कर रही हो तो न्यूट्रल वाली लाइट तो ऑन भी नहीं होगी, फिर तो आपको मात्र किक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं बचेगा। तो फिर आप किक से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि बैटरी खराब होने की वजह से न्यूट्रल वाली ग्रीन लाइट तो ऑन होगी ही नहीं।
तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे, उसका भी हम बताने वाले हैं। ऐसा भविष्य में हो कि किसी बाइक के अंदर बैटरी ना हो तो फिर न्यूट्रल वाली लाइट ऑन नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, मीटर में तो न्यूट्रल वाली लाइट ऑन ही नहीं हो रही है ग्रीन वाली, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी गियर में है या न्यूट्रल में है। तो उसके लिए मैं रास्ता बताता हूँ आपको। मैं फिलहाल गाड़ी को गियर में डाल रहा हूँ, मैंने गियर में डाल दिए। अब यहाँ पर जो किक दे के रखा है, उस किक को हम लगाएंगे ना, तो गाड़ी को आप देखिएगा, जैसे ही हम किक लगाते हैं ये गाड़ी आगे जा रही है। आ देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, गाड़ी का मैं किक लगा रहा हूँ, ये देखिए गाड़ी आगे जा रही है, इसका मतलब गाड़ी गियर में है। और वैसे ही मैं इसको गाड़ी को न्यूट्रल में कर लेता हूँ, फिर आपको किक लगा के दिखाता हूँ। मैंने गाड़ी को न्यूट्रल में कर लिया है, अब मैं गाड़ी का किक लगा रहा हूँ, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ना तो गाड़ी आगे बढ़ी है, ये आवाज़ सुन सकते हैं आप, ना तो गाड़ी आगे बढ़ी है और सीधी सीधी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि गाड़ी को आप पहले चेक कर लीजिए कि गाड़ी गियर में नहीं होनी चाहिए। इसका दूसरा रास्ता और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी को फिलहाल हम कर लेते हैं ऑन, गाड़ी को फिलहाल गियर में डाल लेते हैं। ये आपको समझाने के लिए, ये आपको भी समझाने के लिए पूरा ध्यान रखिएगा। गाड़ी गियर में है और हमें क्या करना होता है कि गाड़ी को ऐसे हम थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, ये देखिए जैसे ही आगे पीछे करते हैं गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, पीछे भी नहीं जा पा रही है, बस उसी जगह पे थोड़ा सा आगे पीछे हो रही है। मैं प्रयास कर रहा हूँ आगे बढ़ाने का, पीछे लेने का, ये देखिए मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ ये आगे नहीं जा पा रही, इसका मतलब भी यही होता है कि गाड़ी गियर में है। मैं फिलहाल इस गाड़ी को न्यूट्रल में कर लेता हूँ, देखिए फिर मैं आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और पीछे जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैं हम आगे जा रहा हूँ, ये आगे जा रही है गाड़ी, देखिए, और पीछे ले रहा हूँ, ये देखिए ये पीछे भी गाड़ी आ रही है। तो इसका मतलब गाड़ी न्यूट्रल में है, गियर में नहीं है। तो आपको सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने से, चाबी लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करने, इंजन स्टार्ट करने से पहले ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि आपको सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल में ही रखना है, उसके बाद ही स्टार्ट करना है इंजन को। उससे पहले कर दिया या तो गाड़ी झटका खा के बंद हो जाएगी, या हो सकता है ज़्यादा आप पावर से अगर किक को लगा रहे हैं तो आपके साथ कुछ दुर्घटना भी हो सकती है, गाड़ी उछल भी सकती है, हो सकता है कोई आपके आगे हो तो उसको भी चोट लग सकती है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल में सबसे फर्स्ट गाड़ी होनी चाहिए, उसके बाद ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट होना चाहिए। दिव्या आपको सारी चीज़ समझ आ चुकी है? ठीक है, तो जो मैंने सारी चीज़ बताई है वो अब दिव्या करके बताएगी प्रैक्टिकल में। हो सकता है इसमें बहुत सारी समस्याएं फेस करने को मिले, मैंने तो सारी थ्योरी आपको बता दी जो मेरे को उचित लगा, बारीक से बारीक चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब दिव्या प्रैक्टिकल कर बताएगी, प्रैक्टिकल में समस्याएं आएगी 100% आएगी, उसके निवारण के लिए हम आपके सेवा में तत्पर हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल दिव्या करके बता रही है, देखिए। तो मैंने सारी चीज़ बता दी है, अब मैं चाबी देने वाला हूँ दिव्या को, दिव्या सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके बताएगी। दिव्या आप ये चीज स्टार्ट करके बताइए, बैठो। तो दिव्या स्टार्ट आप आगे कीजिए, प्रोसेस क्या करने वाली हैं, चाबी को लगाया है, इन्होंने हैंडल लॉक खोल दिया है, पावर को ऑन कर लिया है, क्या ग्रीन लाइट ऑन है? हाँ। ग्रीन लाइट ऑन है, इसका मतलब गाड़ी फिलहाल न्यूट्रल में है। सपोज कीजिए कि ये ग्रीन लाइट ऑन ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? ग्रीन लाइट ऑन नहीं हो तो उसका मतलब ये होता है कि गाड़ी गियर में है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल में लेना होगा। तो यहाँ पर जो गियर दे के रखे हैं उसके अनुसार आप न्यूट्रल में शिफ्ट कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी बैटरी ना हो, इसके अंदर बैटरी वर्क नहीं कर रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको बताया, वो बताइए क्या कर सकते हैं। अगर आपके इसके अंदर जो बैटरी इतनी सी लगती है वो अगर बैटरी ख़राब होकर रखी है, उसके कारण ये न्यूट्रल वाली लाइट ऑन ही ना हो, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी गियर में है या नहीं? जरा हमें भी बताइए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें भी बताइए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको किक लगा के देखना होगा। तो आप किक के ऊपर पांव रखिए, किक कहाँ पर है ये देखिए, किक स्टार्ट कर सकते हैं आप गाड़ी को, दबाइए पैर से किक को, दबाइए। तो इसका मतलब देखिए ये किक दबा रहे हैं और गाड़ी आगे पीछे नहीं हो रही है, इसका मतलब फिलहाल गाड़ी न्यूट्रल में है, ये आप चेक कर सकते हैं। इस वजह से किक लगाकर आप देख सकते हैं, किक जब भी लगा रहे हैं गाड़ी बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रही है, इसका मतलब गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल में है। आपको समझ आ गया? अब हम इसी को गाड़ी को गियर में शिफ्ट कर रहे हैं, और गियर में मैंने इस गाड़ी को यहाँ पर डाल दिया है। अब दिव्या बताइए कि अब इस गाड़ी के लिए हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये न्यूट्रल वाली लाइट ऑन नहीं हो या फिर बैटरी इसके अंदर नहीं है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी गियर में है या नहीं? अब आप इसके लिए क्या उपाय कर पाएंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी न्यूट्रल में है या गियर में है?
सपोज कीजिए बैटरी इसकी ख़राब हो गई है, न्यूट्रल की लाइट आपको नज़र ही नहीं आएगी, तो फिर क्या करेंगे? नहीं पता, नहीं पता यार, नहीं इन्हें। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको पहले जो किक है उसके ऊपर फिर से पांव रखना होगा, धीरे से रखना होगा। धीरे से रखने पर आप देखिएगा गाड़ी थोड़ी आगे पीछे हो रही है। देखिए लगाइए किक हल्का सा, ये देखिए जैसे ही इन्होंने किक लगाया गाड़ी आगे बढ़ गई। इसका मतलब गाड़ी गियर में है, तो सबसे पहले हमें गाड़ी को न्यूट्रल में करना होगा। न्यूट्रल में कैसे होता है आपको पता है? हाँ। तो दबाइए गियर को पंजे से और न्यूट्रल में कर लिया। इन्होंने फिलहाल गाड़ी को न्यूट्रल में कर लिया है। सेकंड ऑप्शन ये तो मैंने बता दिया गियर वाला, एक और ऑप्शन भी होता है जो कि होता है गाड़ी को आपको आगे पीछे करना होता है। तो जब भी आगे अगर बढ़ जाए गाड़ी तो इसका मतलब गाड़ी गियर में नहीं है, और वो आपको लग जाए कि हाँ आगे पीछे हो रही है, फिर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं, गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद सारी कार्रवाई होगी। तो आज हमने ये बेसिक चीज़ बताने की कोशिश की है। डे वन में ये सारी चीज़ हमने क्लियर करने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। दिव्या को भी काफ़ी कुछ समझ में आया है, मेरे को ऐसा लगता है। कुछ चीज़ें धीरे धीरे सीखने के बाद ही समझ में आती है, प्रैक्टिकल करने के बाद ही समझ आती है। ये पहली बार देख रहे हैं ये सारी चीज़, इसलिए इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, 100% लगेगा, पर बार बार ये जैसे ही वीडियो आप देखेंगे आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। डे वन में हमने सारी बेसिक चीज़ बता दिए, कल हम आपको गाड़ी आगे बढ़ाना सिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को आप आगे शेयर कर सकते हैं और हमारा चैनल तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए बहुत सारे लेके आने वाले हैं। धन्यवाद आप सभी का।